आज आप जानेंगे सदर दवाखाना द्वारा बना हुआ एक हर्बल टॉनिक के बारे में, जिसका नाम है सक्तीना हर्बल टॉनिक, जो कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। तो बस आप इस वीडियो के साथ शुरू से आखिरी तक बने रहें ताकि जानकारी सही सही मिल सके, और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहें तो इस सक्तीना हर्बल टॉनिक की अधिक जानकारी मेरे वेबसाइट unanihealth.in पर विजिट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सक्तीना के फायदे जानने से पहले आइए जानते हैं किन किन जड़ी बूटियों से इस सक्तीना हर्बल टॉनिक को तैयार किया गया है। तो इसको मुनक्कस या दारचीनी, करणफल, कसनीज खुश्क, इलायची खुर्द, बालछर, जंजबील, गुले सुर्ख, आमला खुश्क, खस, जीरा सफ़ेद, तुख, बलंगी, इलायची खुर्द, बादरंग बोया, अजवान देसी, उसबा मगरबी, अनार सिरीन और जाफरान वगैरह के मिश्रण से इसे तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं इस सक्तीना के फ़ायदे, इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसकी कीमत वगैरह की पूरी जानकारी डिटेल से। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी, सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ापन, भूख की कमी, चक्कर का आना, हाथ पाँव में ऐठन, पावर स्टेमिना की कमी जैसी कोई भी समस्या है, तो एक बार इस सक्तीना हर्बल टॉनिक का सेवन जरूर करें। ये सक्तीना हर्बल टॉनिक हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चा, जवान, बूढ़ा क्यों ना हो। इसके इस्तेमाल से शरीर में एनर्जी, स्टेमिना, पावर बढ़ता है, भूख को बढ़ाता है, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। साथ ही ये गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी टॉनिक है। ये शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करता है। इसका प्रयोग आप बिना किसी भी मर्ज के भी आप कर सकते हैं शौकिया तौर पे। ये 100% हर्बल टॉनिक है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सक्तीना को आप रोज़ाना 5 से 10 ml सुबह शाम भोजन से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं पानी के साथ, या किसी भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य के सलाह अनुसार भी इसका आप सेवन कर सकते हैं आसानी से। सक्तीना के 500 ml की कीमत मात्र 198 रुपया है, जिसे आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से घर बैठे आसानी से कहीं भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या किसी भी यूनानी दवा दुकान से भी खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।